पिछली एक शती में भारतीय समाज के कथित प्रतिनिधियों ने नकली नायक गढ़े। ये नायक इतिहास से लेकर साहित्य, सिनेमा, कला, गायन, राजनीति और विविध क्षेत्रों में गढ़े गए। 1947 के बाद तो इस गढ़न में अभूतपूर्व तेजी आई। उदाहरण के तौर पर सावरकर का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है, जिन्हें क्लीव खलनायक बनाया गया। गोडसे को गांधी वध के लिए भारतीय हिंदू जीवनधारा का सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया गया। गोडसे को सुनने का प्रयास तो किसी ने किया ही नहीं। परम आश्चर्य तो यह कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ जो हजारों हजार वर्ष से हमारी चेतना के पथ प्रदर्शक बनकर रहे, उनमें वर्णित धर्म अधर्म के स्पष्ट विभाजक सिद्धांत को यूं भुला दिया गया जैसे भारत केवल गांधी की दृष्टि का देश रहा हो। गांधी विरोध यानी भारत विरोध। हमने समग्रता में यह नहीं पूछा कि भला भीष्म, द्रोण आदि को क्यों मरना पड़ा, रावण और वाली क्यों मारे गए। आप इस दुराग्रह पर गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि इसके मूल में हिंदू चिंतन धारा, दृष्टि, इतिहास बोध का उन्मूलन है। उसे अपनी इंट्यूटिव धर्म दृष्टि से विलगाना है। इसीलिए इतिहास लेखन एक उपहास बनकर रह गया। विश्व सभ्यता के सबसे बर्बर कालखंड को प्रगतिशील, कलात्मक और गंगा जमनी कहकर पुस्तकबद्ध किया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी अंधायुग में जीती रही, उसके सामने से हजारों हजार वर्ष की महान सभ्यता हटा ली गई, मानो वह पंडितवादी, पुरुषवादी, शोषणवादी, स्त्री विरोधी, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने के अतिरिक्त कुछ रहा ही न हो। जो कुछ भी महत्तर या श्रेष्ठ रहा वह केवल अहिंदू था, यानी बौद्ध, जैन अथवा नास्तिकवादी। संस्कृत एक मृत भाषा हो गई। भारतीय इतिहास नायकों से विहीन हो गया। धर्म, दर्शन, गणित, विज्ञान, कला, साहित्य और स्थापत्य में उसके पास कुछ न था। ताजमहल भारत के सांस्कृतिक पर्यटन का प्रतिनिधि स्मारक बनकर रह गया। उसी तरह कला और साहित्य के जगत में ऐसे नकली नायकों का निर्माण हुआ जिन्होंने शास्त्र और इतिहास को दूषित किया। सिनेमा पर अगर आप ध्यान दें तो पता चलता है कि हिंदी सिनेमा का सर्वाधिक दूषण हुआ है। बंगाल से आने वाले निर्देशकों और एकाधिक अपवादों को छोड़कर सभी अपनी संस्कृति से विच्छिन्न लोग हैं, जो कथा साहित्य का चयन करते हुए भी अत्यंत मांसल, भावुकतापूर्ण प्रेम कथाएं ही चुनते हैं या फिर उनमें गहन भाव पक्ष तक का घोर अभाव दिखाई देता है। इतिहास के हिंदू गौरव का गायन तो वहां नहीं के बराबर है भी तो अत्यंत नौटंकी प्रधान और रद्दी, जिसका समापन अंततः हृदय परिवर्तन के गांधीवादी चिंतन के साथ होता है। इसीलिए कभी मुगले आजम, कभी अनारकली तो कभी ताजमहल जैसी फिल्में बनती रहीं। बंगाल से आए निर्देशकों ने सशक्त कथा साहित्य का चुनाव किया। कुछ मराठी फिल्मकार और कुछ अन्य भी अच्छी फिल्में बना सके। अन्यों के पास तो बस वही फूल पाखी गान रह गए, वही सेक्युलरी विधवा विलाप। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे भयंकर दुष्प्रचार मंगेशकर बहनों के विरुद्ध हुआ। लता को मीडिया के एक वर्ग ने हमेशा अधिनायक वादिनी, नई गायिकाओं का करियर बर्बाद करने वाली स्त्री के रूप में स्थापित करने के कुचक्र रचे। रफी को देवता घोषित किया गया, जबकि सत्य विपरीत है। बड़े बड़े पत्रकारों ने लता मंगेशकर से यह प्रश्न हमेशा पूछा। हर बार वह एक विनयशील विरोध के साथ लगभग इस हास्यास्पद आरोप पर दुखी होती रहीं। वह कहती रहीं कि बड़े बड़े संगीतकार उनकी अनुपस्थिति में दो दो महीने प्रतीक्षा करते थे। फिल्मों के सेट तक हटा दिए जाते कि लता आएगी, तभी गाने रिकॉर्ड होंगे, तभी काम बढ़ेगा, तो भला यह सब करने की आवश्यकता क्या थी। खैर, यह तो मूलतः संगीत की समझ का विषय है। जिन गायिकाओं से लता की तुलना की जाती रही, क्या वे उनसे तुलना करने के योग्य थीं? यहां भी वही कोण है। लता एक दृढ़ हिंदू महिला रही, 60 के दशक में ही सावरकर के साथ खड़ी हो गई थीं। उन्होंने गायन और गायकों को उनके हिस्से का सम्मान दिलवाया। LP रिकॉर्ड पर नाम दर्ज कराने से लेकर फिल्मफेयर पुरस्कार और रॉयल्टी तक के लिए वह माननी लड़ी और जीती। लता की कोई काट ये खोज नहीं पाए। जब उनकी सुर गाथा को मलिन न कर सके तो उनके व्यक्तित्व पर प्रहार किए, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई।
आज भी YouTube पर एक बड़ा समूह उन्हें खराब महिला बताने में लगा रहता है, जबकि प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र की सुर सम्राज्ञी वही थी जिन्होंने अथक परिश्रम, संघर्ष और महान पिता से प्राप्त स्वर प्रभा से अनश्वर गायन किया। लगभग 80 वर्षों के इस कालखंड में वैसी दूसरी आवाज नहीं सुनी गई। इस पहलू पर विचार करने से पता चलता है कि रफी की महानता को एक प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा गढ़ा गया जिसमें संशयवादी आत्महीन हिंदुओं ने सहयोग किया, वरना मन्ना दास से लेकर किशोर कुमार तक को लंबे समय तक उतनी उपेक्षा न सहनी पड़ती। मन्ना दा को तो जीवन भर यह ताप सहना पड़ा, वह अपमान में जलते रहे, भद्र थे, चुप रह गए, यदा कदा अपनी पीड़ा कह गए। किशोर ने अपने प्रभुत्व और भावनात्मक किंतु अनाटकीय गायन से बड़ी सी धरती अपने नाम कर ली। रॉयल्टी विवाद में भी रफी को हीरो बनाया गया, जबकि वहां लता ही सच्ची थी। रफी का चरित्र निर्माण सायास है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि समुदाय विशेष के लोग अच्छे होते हैं, दोषी हमेशा हिंदू होता है। इसीलिए इंडिया टुडे जब शती के महानतम संगीतकार का चयन करता है तो सी रामचंद्र, एस डी बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, पंचम, जयदेव जैसे धुरंधरों को छोड़कर सीमित संवेदना के रचयिता नौशाद पर ठहर जाता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।